हर हर महादेव। हर शिव भक्त ये उम्मीद करता है कि वो अपने जीवन में एक बार केदारनाथ की यात्रा ज़रूर करे। मेरा भी ये सपना था जो पूरा हुआ है। मैं केदारनाथ भ्रमण पर जाने के कुछ दृश्य आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हमारी केदारनाथ की जर्नी 5 लोगों के साथ गांव से शुरू होती है और हम अपनी गाड़ी लेकर केदारनाथ के लिए रवाना होते हैं। सभी साथी नाचते गाते झूमते हुए केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव ऋषिकेश के लिए था, तो हम हरिद्वार बिना रुके गुजरे हैं। आपको गंगा जी का दृश्य दिख रहा है। हम इस रास्ते से सीधा ही हरिद्वार बिना रुके ही ऋषिकेश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सड़क से गुजरते हुए आपको बेहतरीन हरियाली प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। बेहद ही रमणीक स्थान है ऋषिकेश। हम यहाँ से ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए भी निकलेंगे। रिवर राफ्टिंग का दृश्य भी आपको मैं दिखाऊंगा। हम रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। रामकुमार, हीरा राम, सरवण, हनुमान और मैं 5 लोग जो केदारनाथ के लिए निकले थे। ये हमारी पूरी टीम, हीरा राम जी। रिवर राफ्टिंग के लिए हम सीढ़ियों से नदी की ओर नीचे उतर रहे हैं। ये हमारा साथी रिवर राफ्टिंग के लिए नाव लेके आ रहा है और हमारी रिवर राफ्टिंग शुरू हो जाती है। मैं और हीरा राम जी दोनों मस्ती कर रहे हैं। राम कुमार मुस्करा रहा है। रिवर राफ्टिंग वाकई एक बेहद रोमांचक अनुभव रहा हम सब साथियों के लिए। हमारे जीवन की ये पहली रिवर राफ्टिंग थी। पानी में कूदना, उछल कूद करना, ये बेहद ही रोचक अनुभव रहा है हम सब के लिए। पूरी तरह से एंजॉय किया है हम लोगों ने। राम कुमार हमें दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। श्रवण जी, राम कुमार हेल्दी होने की वजह से पानी में कूदने से डरता है। नाव चलाने में राम कुमार जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये हमारे खेवैया ये नाव चला रहे हैं भाई साहब। हनुमान जी अपना योगदान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, आराम से नाव की राइडिंग एंजॉय कर रहे हैं। श्रवण दादा को हमने कैमरामैन बना रखा है। और यहाँ से बद्रीनाथ जाते वक्त बीच में एक बहुत ही शानदार फ़ोटो खींचने के लिए की स्पॉट आता है, जहाँ नदी के पानी से हल्का हल्का सा धूल आकर किनारे पर जमा हुआ, जो बिल्कुल भी कपड़ों के नहीं लगता। और हम यहाँ से फोटोग्राफी करके आगे निकलते हैं और हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ जाते वक्त बहुत ही खतरनाक घाटियाँ, L और V शेप के मोड़, चारों ओर गहरी खाइयाँ, हरियाली और आते जाते यात्रियों की भीड़, मनमोहक नज़ारे, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वाकई में देखकर बहुत ही अलग महसूस हो रहा था। पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाने का ये मेरा पहला अनुभव था, जिसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया। गाड़ी चलाना मुझे बहुत ही रोमांचित कर रहा था। यहाँ की पहाड़ियों में आपको बहते छोटे छोटे झरने और
आनंद लेते पर्यटक हर कहीं देखने को मिल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और हम रात में ही बद्रीनाथ महादेव के दर्शन करके यहाँ बहते पानी के झरनों को देखते हुए, यहाँ एक गर्म पानी का झरना भी है जिसमें -9 डिग्री में भी गर्म पानी ही आता है और पानी बिल्कुल धुआं देता दिखाई देता है, जिसमें नहाने पर बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि यहाँ ठंडा पानी है। जय बद्री विशाल। रात में हम जिस होटल में रुके थे उस होटल की खिड़की से पीछे से आ रहे नदी के पानी का एक बेहद ही शानदार दृश्य मैं आपको हिंदुस्तान के अंतिम गांव माणा के कुछ दर्शन।
अब हम जा रहे हैं केदारनाथ। केदारनाथ की चढ़ाई लगभग 16 किलोमीटर ऑफिशियली बताई जाती है, जबकि 2013 की त्रासदी आने के बाद में पहले वाला मार्ग ख़त्म हो गया और नया मार्ग बनाया गया, तो लगभग मेरे हिसाब से वो दूरी 21 किलोमीटर दुर्गम चढ़ाई में है। केदारनाथ के रास्ते बीच में बहते हुए नाले, केदारनाथ मंदिर तक जाने के तीन जरिए, या तो आप पैदल जा सकते हैं, या घोड़ों के द्वारा जा सकते हैं, या फिर नज़दीकी हवाई अड्डे फाटा से सीधा केदारनाथ के लिए हवाई यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध है। केदारनाथ पैदल चढ़ाई का मुकाबला कोई भी जरिया नहीं कर सकता। इसमें आप बहुत सारे प्राकृतिक दृश्यों का आनंद बेहतरीन तरीके से अपनी आंखों से ले सकते हैं। बना दे वीडियो केदारनाथ मंदिर के नज़दीक बने हवाई अड्डे से उड़ते मिनी हेलीकॉप्टरों और आसपास के प्राकृतिक नज़ारों और उनकी आवाज़ों का आनंद लीजिए। हमारी केदारनाथ की चढ़ाई सुबह शुरू होती है और केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में हमें शाम हो जाती है। ये शाम का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। श्रद्धालुगण केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, जहाँ आपको लाइन के माध्यम से दर्शन करने का मौका मिलेगा। रंजीत कुमार मलिक और रत्ना रानी मलिक जो कि बांग्लादेश
सारनाथ यात्रा पूरी करने के बाद हम लौट रहे हैं वापस हरिद्वार की ओर। हरिद्वार में हम सब साथी यहाँ गंगा स्नान का आनंद लेंगे। किसी ने सच ही कहा है, मानो तो गंगा और न मानो तो बहता पानी। गंगा स्नान करके मन पवित्र सा हो गया है और मन को आत्मिक शांति मिल रही है। का अंतिम पड़ाव बिरला सिटी वाटर पार्क अजमेर। यहाँ हम सब साथी पूरे भ्रमण की थकान को दूर करने के लिए एंजॉय कर रहे हैं।